नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। भाजपा ने अपने लोक कल्याण पत्र में दोस्तों एक वायदा किया था, जिसमें कहा गया था कि श्रमिकों की बेटी की शादी में जो पैसा हम दिया करते थे 55,000 और 65,000 रुपये, ये दो तरीके से डिवाइड होता था, अब उसको बढ़ा के 1,00,000 रुपये किया जाता है, यानी इसको जल्द ही 1,00,000 रुपये कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे श्रमिकों का जब नाम आया तो दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया होगा। अगर आप भी किसी ग्रामीण तबके से जुड़े हैं और नरेगा वगैरह के अंतर्गत मजदूरी करते हैं या फिर आप दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं, तो आप अपना श्रमिक पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन दोस्तों अवश्य करा लें, जिससे कि भविष्य में मिलने वाले जो लाभ हैं वो आपको भली भांति मिलते रहें। आपको याद होगा जब कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम पे सरकार ने इन श्रमिकों के खाते में 500-500 और 1,000-1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी की थी। अब यहाँ पे ये जो पैसा मिलता था वो दो तरीके से दोस्तों दिया जाता था। 55,000 रुपये जो दिया जाता था वो एकल विवाह के लिए दिया जाता था, और 65,000 रुपये जो दिया जाता था वो सामूहिक विवाह के लिए दिया जाता था। सामूहिक विवाह का मतलब होता है राज्य सरकार सामूहिक विवाह कराती है, जिसमें 15 से 20 जोड़े शादी करते हैं, और एकल विवाह का मतलब होता है कि अपने पर्टिकुलर घर पे शादी होती है और बारात आती है, वो एक एकल विवाह माना जाता है। तो उसके लिए 55,000 रुपये अब तक दिए जा रहे थे, और अब इसको बढ़ा के 1,00,000 रुपये दोस्तों किए जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर वो भी श्रमिक इसमें गिने जाएंगे जो ई श्रम कार्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए गए थे, यानी ई श्रम पोर्टल पे जाकर के जिनको रजिस्ट्रेशन कराया गया था, वो दोस्तों यहाँ पर काउंट नहीं किए जाएंगे। राज्य श्रम विभाग के अंतर्गत एक बोर्ड काम करता है प्रत्येक राज्य में, ये वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें अब तक 1,43,00,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आप भी दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको दे देंगे, या फिर आप CSC या जनसेवा केंद्र से इसकी और जानकारी ले सकते हैं। ये राज्य सरकार का जो श्रम विभाग होता है उसमें रजिस्ट्रेशन होने की बात कही जा रही है। चाहे तो आप इस पूरी वीडियो को पॉज करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। सरकार ने जो वायदे सरकार में आने से पहले किए थे उनको पूरा करने का प्रयास सरकार कर रही है। चाहे तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, भाजपा जल्द लोक कल्याण संकल्प पत्र में श्रमिकों से किया वायदा निभाने की तैयारी में है। अब सरकार 1,00,000 रुपए का शगुन देगी। सामूहिक विवाह में होने वाली शादियों में ये राशि इससे अधिक होगी। इस योजना का लाभ श्रम विभाग के तहत संचालित भवन एवं सन्निकार कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत 1,43,00,000 श्रमिकों के परिवारों को लाभ मिलेगा। श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल करने का वायदा किया है। यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि श्रम विभाग कन्या विवाह सहायता योजना के तहत अभी तक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को दो तरह का अनुदान देता रहा है। जैसा कि हम आपको बताए थे, एकल विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये का अनुदान मिलता था, जबकि सामूहिक विवाह की स्थिति में 65,000 रुपये का अनुदान मिलता था। सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपये दूल्हा दुल्हन को पोशाक के नाम पर दिए जाते थे और 7,000 रुपये अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिए जा रहे थे। इस प्रकार सामूहिक विवाह में होने वाली हर शादी पर अब तक सरकार 82,000 रुपये खर्च करती आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी बात एक और बताई जा रही है, सामूहिक विवाह के लिए 1,00,000 से अधिक होगी रकम। योगी सरकार के चुनावी वायदे के अनुरूप अब श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए दिए जाने वाले इस शगुन को बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। ऐसे में एकल विवाह की राशि 55,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए हो जाएगी, जबकि सामूहिक विवाह की 1,00,000 रुपए की राशि के अलावा 10,000 रुपये पोशाक के लिए और 7,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए तो इनको दिए जाएंगे दोस्तों 1,17,000। अगर आप अपनी बेटी का विवाह सामूहिक विवाह के अंतर्गत कराते हैं तब आपको लाभ मिलेगा 1,17,000 रुपये का। अगर आप एकल विवाह यानी अपने घर पे शादी आयोजित कर रहे हैं उस कंडीशन में दोस्तों आपको दिए जाएंगे सिर्फ 1,00,000 रुपये। सारी चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप वास्तव में मजदूर हैं तो दोस्तों आप उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा दें और उसको श्रम विभाग से जाकर के वेरीफाई करा लें, और वहां से जो दोस्तों सर्टिफिकेट मिलता है उसको अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि जब श्रमिक की बेटी की शादी होती है और जब शादी विवाह के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें उस प्रमाण पत्र को लगाना आवश्यक होता है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं कुछ, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर देंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।